अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 4, पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट्स, यानी कि वाटर पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं और व्हाट आर देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पर, माहौल पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। आवर पेज नंबर इज 48 एंड आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनके ह्यूमन पर इनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ऑर्गन्स पर, ह्यूमन ऑर्गन्स पर किस तरह से ये असरअंदाज होते हैं। फर्स्ट वन जो एयर पॉल्यूटेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कलरलेस, ऑडरलेस एंड पॉइजनस गैस, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती और ये एक जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट अफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली, ये ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करती है और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उनमें है हेडेक यानी कि सर दर्द, ब्रेन डैमेज, ब्रेन जो है उसका प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं इसकी वजह से। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रीचेज आवर ब्लड, जब ये हमारे ब्लड तक पहुँचती है, इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेज इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है, ये उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट जो एयर पॉल्यूटेंट है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ अ कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल, यानी कि ये भी कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता और इसकी स्मेल जो है वो भी चुभने वाली स्मेल होती है, इरिटेटिंग स्मेल। इट डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड कॉजेज एसिड रेन। एसिड रेन जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड जब रेन वाटर में मिक्सअप होता है तो एसिड रेन की वजह बनता है। एक्सपोजर टू सल्फर डाइऑक्साइड कैन काज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, निमोनिया एंड लंग कैंसर। अब सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं उनमें है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज यानी कि सांस लेने का प्रॉब्लम और निमोनिया हो जाता है इससे, लंग कैंसर, ये सारी बीमारियाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जब ये सांस के ज़रिए से हमारे अंदर जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से क्रिएट होती हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखें, सल्फर डाइऑक्साइड कैन काज सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज एस्थमा। एस्थमा जो है ये एक सांस लेने की सांस में प्रॉब्लम है, ये ऐसी बीमारी है, तो ये किसकी वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, डिग्रेडेड लंग फंक्शन, फेफड़ों का जो है वो निज़ाम बहुत बुरे तरीके से मुतासर होता है, फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है उसकी वजह से कॉज होते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर, यही वो भी सांस लेने की प्रॉब्लम उसी की बात हो रही है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारियां इसी वजह से होती हैं। फिर है कैंसर, और ये कैंसर विकास करता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तीसरा जो एयर पॉल्यूटेंट है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑल टॉक्सिक गैसेस, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैसेस होती हैं। दे डिज़ोल्व इन रेन वाटर टू कॉज एसिड रेन। अब एसिड रेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से होती है। दे हैव सीवियर इफेक्ट्स ऑन लंग्स एंड डैमेज देम, इनके भी गुर्दों पर, क्योंकि सांस लेते हैं तो ये हमारे अंदर जाती है गैस, तो इनके भी गुर्दों पर जो है वह बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट्स होते हैं। देखें कि इनके सोर्सेज ये डायग्राम्स में दिए हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जब कोई ईंधन जलता है तो उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो रिलीज होते हैं। इफेक्ट फिर दूसरी डायग्राम में देखें, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन लंग्स, यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब सांस लेने के जरिए के प्रोसेस के दौरान, सांस लेने के प्रोसेस के दौरान हमारे अंदर जाते हैं तो ये हमारे फेफड़े जो हैं इस तरह से डैमेज होते हैं। इसके बाद आपको कुछ इसी पेज में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्यूशन की फॉर्म में दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी रीडिंग में पढ़ा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कलरलेस गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती और ये जहरीली गैस है। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। कार्बन मोनोऑक्साइड्स के इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पर क्या हो सकते हैं। फिर है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में पूछा गया है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो ये आपका पूरा पेज नंबर 48 जो है वो इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पूरा पेज जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से कर देना है।